नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, यानी उद्धव सरकार के खिलाफ अब बगावत शुरू कर दी है परमवीर सिंह ने। उन्होंने ये कहा है कि पत्र में जो आरोप लगे हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने दायर की है, उसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल होमगार्ड विभाग में जो उनका तबादला किया गया है वो अवैध है, और इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जो पत्र लिखा है उसमें जो आरोप लगे हैं उसकी सीबीआई जांच की मांग की है। तो फिलहाल जिस तरीके से परमवीर सिंह की इस चिट्ठी के बाद सियासी बवाल महाराष्ट्र में मचा हुआ है, लेकिन इस बीच परमवीर सिंह अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। फिलहाल आपको बता दें एनसीपी और उद्धव ठाकरे की ओर से तमाम बड़ी चीजें इस पत्र को लेकर कही जा रही थी। शुरुआत उद्धव ठाकरे ने की जब इस पत्र को ही उन्होंने साफ तौर पर फेक बताते वो नजर आए। उसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं अनिल देशमुख पर वो बेबुनियाद है, और इस पत्र में जो दावा किया गया है उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। लेकिन इन तमाम बयानों के बाद अब परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें लगातार मुंबई में एंटीलिया विस्फोटक केस, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है, और अब जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, सचिन वाजे की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस बीच परमवीर सिंह पर भी एनआईए ने शिकंजा कसा। उनके दफ्तर के बाहर से एक गाड़ी बरामद की गई, जिसके बाद उनकी आलोचना शुरू हुई, और इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने 17 मार्च को उनके तबादले का फैसला लिया। उन्हें परमवीर सिंह को मुंबई के कमिश्नर पद से हटाकर उनका होमगार्ड पद पर तबादला कर दिया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब परमवीर सिंह महाराष्ट्र सरकार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। एक चिट्ठी उन्होंने उद्धव ठाकरे को हाल ही में लिखी है, जिस चिट्ठी में उन्होंने तमाम बड़े खुलासे किए हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार और खासतौर पर जो गृहमंत्री हैं अनिल देशमुख, वो किस तरीके से वहां उगाही पुलिस प्रशासन से करा रहे थे, किस तरीके से सचिन वाजे और अनिल देशमुख के बीच मुलाकात हुई है, वसूली की बात उस चिट्ठी में कही गई है, जिसके बाद मुश्किलें लगातार उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब परमवीर सिंह पहुंचे हैं, आखिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनकी याचिका पर सुनवाई कब हो पाएगी, क्या फैसला होगा, यह फिलहाल देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, सीबीआई जांच की मांग की है, तो जाहिर तौर पर मुश्किलें अब उद्धव सरकार की बढ़ चुकी है। परमवीर सिंह और सचिन वाजे को बचाने की कोशिश पहले ही शिवसेना की तरफ से की जा चुकी है, इन्हें काबिल ऑफिसर का दर्जा शिवसेना दे चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके से उनका तबादला किया गया उसके बाद कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार से पूरी तरीके से नाराज परमवीर सिंह दिखाई दे रहे हैं, और यही वजह है कि अब एक के बाद एक उनकी पोल खोलते भी नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें ना सिर्फ परमवीर सिंह ने अपने तबादले को अवैध इस याचिका में बताया है, बल्कि आपको बता दें एक और बात का जिक्र इस याचिका में किया गया है। उन्होंने ये लिखा है कि दरअसल गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर और ऑफिस के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने चाहिए, और ये पता लगाने की कोशिश की जानी चाहिए कि आखिर क्या जो सचिन वाजे और अनिल देशमुख की मुलाकात पर जो एनसीपी झूठ बोल रही है, ये मुलाकात जाहिर तौर पर उन तमाम सीसीटीवी फुटेज में मौजूद होगी। तो ऐसे में अब सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग भी की जा रही है। एंटीलिया विस्फोटक केस में ये शुरू से ही देखने को मिला है कि किस तरीके से शिवसेना महाराष्ट्र सरकार ने तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश इस पूरे मामले में की है, फिर चाहे वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना हो या तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश रही हो, तो तमाम तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। लेकिन एक बार फिर से परमवीर सिंह ने यह मांग की है कि अनिल देशमुख के घर और दफ्तर के तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगाला जाना चाहिए। तो फिलहाल
सुप्रीम कोर्ट परमवीर सिंह पहुंचे हैं। ऐसे में अब क्या कुछ आगे इस पूरी जांच में निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट अब इस पर फैसला लेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पुलिस लगातार इस पूरे मामले में फंसती नजर आ रही है और उसके बाद और मुंबई पुलिस के सीधे संपर्क जो शिवसेना के साथ इस मामले में सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर शिवसेना और एनसीपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें, सिर्फ अपने तबादले को अवैध नहीं बताया है, आपको बता दें जो चिट्ठी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं उस पर भी परमवीर सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जो पत्र लिखा है उस पर लापरवाही करने के आरोप कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पर परमवीर सिंह ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए यह पत्र उद्धव ठाकरे को लिखा है। पुलिस प्रशासन में कितना बड़ा घपला चल रहा था ट्रांसफर को लेकर, दरअसल कई पहले भी पुलिसकर्मी इस बात को लेकर अपनी आवाज उठा चुके हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी उद्धव ठाकरे सरकार जो है गंभीर नहीं है, किसी भी मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है और साथ ही अधिकारियों की काबिलियत देखे बिना उनका ट्रांसफर ऐसे ही कर दिया जा रहा है, इसको लेकर भी मुंबई पुलिस की ओर से सवाल उठाए गए थे। तो फिलहाल उद्धव सरकार अब कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के निशाने पर आ गई है। जिस तरीके से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अब मोर्चा उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ खोल दिया है, इसमें उन्होंने सफाई देते हुए ये भी कहा है कि दरअसल इस पत्र में कोई भी राजनीति नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी दिल्ली में किसी भी बीजेपी के लोगों से मुलाकात नहीं हुई है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे शिवसेना की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि परमवीर सिंह ने बीजेपी के नेताओं और खासतौर पर वो दिल्ली पहुंचे हैं, वहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात हुई है, ये बातें भी ये आरोप भी लगातार शिवसेना की ओर से लगाए जा रहे थे। लेकिन इस पर भी परमवीर सिंह ने अब सफाई देते हुए ये कहा है कि दरअसल उनकी किसी भी बीजेपी के नेता से मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि मैं कोई भी केंद्रीय पोस्ट की मांग नहीं कर रहा हूं, जैसा कि शिवसेना की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, और भविष्य में क्या कुछ कार्रवाई होगी इसके बारे में भी वो कुछ नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जो कुछ कहना था वो उस लेटर में कह चुके हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र में फिलहाल सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं शिवसेना लगातार अब परमवीर सिंह को घेरती नजर आ रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी के साथ मिलकर ये षड्यंत्र परमवीर सिंह अब रच रहे हैं, लेकिन फिलहाल बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से शिवसेना और एनसीपी खुद को बचाने की जुगत में लगी हुई है और कहीं ना कहीं अब इस चिट्ठी को लेकर ही परमवीर सिंह पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन्हें बचाने की कवायद भी एनसीपी की तरफ से तेज हो गई है। जाहिर तौर पर अगर शिकंजा अनिल देशमुख पर कसा जाएगा तो उनकी भी पोल खुलती नजर आएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम पार्टियों के नेता अब अपने आप को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, तमाम सबूत एनआईए के हाथों लग रहे हैं। सचिन वाजे की गिरफ्तारी, उन्हें बहाल करने पर शिवसेना ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, इसको लेकर भी लगातार बीजेपी अब शिवसेना पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच परमवीर सिंह का ये जो लेटर है अब ये महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में छाया हुआ है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना और खासतौर पर एनसीपी की मुसीबत हर रोज बढ़ती नजर आ रही है। यही वजह है कि बैठकों का दौर फिलहाल चल रहा है और अब मुंबई के इस पूर्व पुलिस कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, उसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। आपको बता दें महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार ने सीबीआई को बैन कर रखा है। उन्होंने ये कह रखा है कि दरअसल सीबीआई अगर इस किसी भी केस में महाराष्ट्र में जांच करेगी तो उसे पहले राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। तो ये तमाम हथकंडे भी केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ महाविकास अघाड़ी सरकार अपना चुकी है। जाहिर तौर पर इससे पहले एनसीबी हो, ईडी हो या सीबीआई हो, इनके तमाम जो जांच का दायरा है वो महाराष्ट्र में अलग अलग मामलों में बैठा हुआ है। एनसीबी जहां बॉलीवुड ड्रग्स मामले में जांच कर रही है, तो वहीं ईडी लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के केस में महाराष्ट्र में अलग अलग मामलों में जांच कर रही है। और फिलहाल जिस तरीके से परमवीर के लेटर में यह खुलासा हुआ है कि इतना बड़ा वसूली का कारोबार एक तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार ने वहां चला रखा था, तो ऐसे में अब ईडी भी इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत करेगी।
तो जाहिर तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की अब जांच में जुटी हुई है। ऐसे में शिवसेना और एनसीपी का विरोध लगातार तेज हो गया है, लेकिन बीजेपी भी गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन फिलहाल गृहमंत्री अनिल देशमुख को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा परमवीर सिंह ने खटकाया है, जिसके लिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अनिल देशमुख पर वसूली का जो बड़ा आरोप उन्होंने अपने लेटर पर लगाया है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी फिलहाल अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश में पुरजोर तरीके से जुटी हुई है, लेकिन किस तरीके से ये पूरी ही सरकार इस साजिश, इस षड्यंत्र का हिस्सा है, इसका खुलासा हर रोज एनआईए की जांच और तमाम जिस तरीके से खुलासे बड़े महाराष्ट्र में हो रहे हैं उसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।